नमस्कार दोस्तों, मेरे इस वीडियो के नए इस सेगमेंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और यूट्यूब चैनल पे भी। तो गाइज, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ होस्टिंग वेबसाइट्स ऑन सिंगल सर्वर, मल्टीपल वेबसाइट। मुझे एक से ज़्यादा वेबसाइट होस्ट करनी है, एक से ज़्यादा वेबसाइट बनानी है, लगानी है मेरे एक ही सिंगल सर्वर पे। तो उसको कैसे हम कर सकते हैं, बेसिक चीज़ें इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ। आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। ज़्यादा वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे शुरू के भी वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हैं और अब आगे के भी वीडियोज़ आएंगे। तो गाइज, ऐसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस हैं, कुछ 380-390 वीडियो डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी पे। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो इस बेल बटन को क्लिक करना ना भूले, अपडेटेड नोटिफिकेशन यहीं पे आएंगे। तो जैसे कि आप देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास एक ही सर्वर है, कोई हार्डवेयर HP का या जो भी आपके पास हो, आप चाहते हैं उस पर 10 वेबसाइट लगानी, ठीक है, तो उसको कैसे कॉन्फिगर कर सकते हैं, क्या क्या किन किन चीज़ों का हमको ध्यान रखना होता है, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सिंपल सी चीज़, अब देखिए, ये मेरी एक वेबसाइट हो गई, ये मेरी दो वेबसाइट हो गई, ये तीन वेबसाइट हो गई। अब मैं ये सब चाहता हूँ एक ही सर्वर पे इंस्टॉल करना, मेरे पास एक ही हार्डवेयर है, सब की सब इसी पे इंस्टॉल करना। कैसे होस्ट करते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो इसकी सबसे पहले रिक्वायरमेंट है, इसकी कैपेसिटी बहुत तगड़ी होनी चाहिए, बहुत अच्छा सर्वर होना चाहिए, रैम तगड़ी होनी चाहिए, लाइक 32 GB या 64 GB, हार्ड डिस्क बहुत सारा होना चाहिए, स्पेस बहुत अच्छा होना चाहिए। जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें रिक्वेस्ट बहुत आएंगी, लोड बहुत रहेगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में हार्डवेयर अच्छा रहेगा तो वर्क अच्छा करेगा, नहीं तो डाउन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, हार्डवेयर फेलियर हो रहा है, वो सब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब क्रिटिकल होते हैं। इसके बाद में, टू मेक दिस कॉन्फ़िगरेशन, दिस काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यू शुड हैव सेपरेट आइडेंटिफिकेशंस ऑल द वेबसाइट्स। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए, अब मल्टीपल वेबसाइट्स हैं तो मल्टीपल वेबसाइट्स को क्या है, हर एक वेबसाइट को आप एक एक आइडेंटिफिकेशन दे सकते हैं कि किस तरीके की रिक्वेस्ट आनी चाहिए। ये वाली वेबसाइट अगर है मेरे पास, वेबसाइट नंबर एक है, तो ये किस तरीके की रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा, ये वाली किस तरीके की रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा, इस तरीके से हम वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये चार तरीके से हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है इसमें प्रोटोकॉल वाइज, दूसरा होता है होस्ट हेडर, और तीसरा होता है TCP पोर्ट, और होता है नेक्स्ट होता है IP एड्रेस। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैंने पिछले वीडियोस में भी शेयर किया है थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन, आप अगर आप देखेंगे तो आपको ज़रूर पता चलेगा। तो बेसिक यही है, प्रोटोकॉल मतलब आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं, HTTPS, HTTPS और होस्ट हेडर, ये बहुत ही कॉमन मेथड है और बहुत ही कॉमन तरीका है। और TCP पोर्ट नंबर, क्या पोर्ट नंबर आप यूज़ कर रहे हैं, TCP पोर्ट नंबर के बारे में मैंने शेयर किया है, और IP एड्रेस। तो इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं कि कुछ HTTPS की रिक्वेस्ट आ जाए, कुछ ये वाली वेबसाइट मेरी होस्ट हेडर पे चले, कोई एक वेबसाइट मेरी TCP पोर्ट पे चले, और कुछ IP एड्रेस पे चले। तो इन सबको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, मैं अगले वीडियो में आप लोग को साथ में शेयर करूँगा। हम कॉन्फ़िगर करेंगे, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, ये मेरा सर्वर 2019 है, इस पर ये मेरा india.com मैंने इंस्टॉल किया है डोमेन, और IIS सर्वर को इंस्टॉल करके रखा है। तो इस वीडियो में अभी तक मैंने सिर्फ इंस्टॉलेशन और बेसिक चीज़ें बताई है। अगला वीडियो जो रहेगा, उसमें मैं एक सिंगल साइट कैसे क्रिएट करते हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, और उसके बाद में फिर हम मल्टी साइट कैसे क्रिएट करते हैं सिंगल सर्वर पे, सिंगल IP पे, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये सब कुछ डिफ़ॉल्ट है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे HTTPS सर्वर सर्टिफिकेट और ऑथेंटिकेशन, ये सारी चीज़ें कैसे काम करते हैं। तो वैसे इस वीडियो में इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी, बहुत ही छोटा सा वीडियो था। मल्टीपल वेबसाइट को कैसे होस्ट करना, मतलब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट पता रहता है तो चीज़ें आसान हो जाती है। तो ज़्यादा वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, बाय बाय, नमस्कार।